गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे इन ईवीस वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद चैप्टर सिक्स दैट इज़ हाउसिंग एंड क्लोथिंग हम लोग इसके कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउसिंग मीनिंग ऑफ क्लोथिंग व्हाई डू वी नीड अ हाउस फॉर हमें हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है बगैर हाउस के हम क्यों नहीं रह सकते हैं ये हाउस हमें किन किन चीजों से सेव करता है देन टाइप्स स्ट्रॉन्ग हाउसेस वी हैव रेड मटेरियल्स का क्या, -क्या यूज होता है स्ट्रॉग हाउस को बनाने में देन वीक हाउस वी हैव रेड वीक हाउसेज को क्या कहते हैं हम लोग कच्चा हाउसेज इट इज ऑल्सो नोन एज कच्चा हाउसेज सो अबाउट हट वी हैव ऑलरेडी रेड देन कैरविन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं एंड हाउस बोट्स इज एंटेड सो टूडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद द सेम टॉपिक दैट इज इग्लूज ग्लूज चिल्ड्रेन ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ना कि द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ हाउसेज ऑल्सो डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन एंड द कंडीशंस इन द एरिया जैसा जोग्राफिकल कंडीशन है और लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने घर को बिल्ड करते हैं ओके okay? सम प्लेसेज ऑन द अर्थ आर एक्सट्रीमली कोल्ड कुछ ऐसे प्लेसेज हैं अर्थ पे जो बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं सो दे आर कवर्ड विद स्नो कंप्लीटली होल ईयर थ्रू आउट द ईयर वो स्नो से कवर्ड रहते हैं तो पीपल जो वहां के हैं लिविंग इन सच एरियाज दे बिल्ड हाउसेज यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ स्नो स्नो के ब्लॉक से वो लोग अपने घर को बिल्ड करते हैं सो सच हाउसेज आर कॉल्ड एज इग्लूज क्या कहते हैं हम लोग वैसे घर को इग्लू बोलते हैं ओके एंड एन इग्लू इज वार्म इन बाहर से तो सी सी द पिक्चर इज गिवन हो गई है इग्लू का पिक्चर दिया हुआ ये बाहर से तो ये पूरी तरह ठंडा थंद, रहता है बट फ्रॉम द इन साइड इग्लू के अंदर जो है वो बहुत ही वार्म रहता है दैट इज वाई पीपल आर एबल टू सर्वाइव इन सच पर्टिकुलर एरियाज नाउ इट रेन्स अ लॉट इन सम प्लेसेस बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश भी होती है द ग्राउंड इज ऑफ एन फिल्ड विथ रेन वाटर पीपल लिविंग इन सच एरियाज दे मेक हाउसेज ऑन स्टिल्स और पोल्स जो ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा बारिश लाइक like केरल एंड ऑल वहां पर लोग क्या करते हैं हाउस को कहां बिल्ड करते हैं दे बिल्ड द हाउसेज ऑन स्टिल्ट एंड पोल्स सी द पिक्चर ये वाला जो पिक्चर है ना इट इज लाइक दैट ओनली ये जो बने हुए हैं ये सारे स्टिल्स हैं ओके एंड पोल्स पे बनते हैं क्यों हाउस इज कॉल्ड अ स्टिल्ट हाउस ऐसे घर को हम लोग क्या कहते हैं स्टिल्ट हाउस भी बोलते हैं वाई बिकॉज वाटर कैनॉट एंटर दीज हाउसेज एज दे आर हाई अब द ग्राउंड ग्राउंड लेवल से बहुत ज्यादा हाई बनाए जाते हैं घर को बनाए जाते हैं इसलिए वाटर जो है वो घर के अंदर नहीं घुस पाता है नॉन नेक्स्ट पीपल लिविंग इन द हिल्स बिल्ड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स सो दैट स्नो और रेन कैन स्लाइड डाउन ईजिली जो ऐसे लोग जो हिल्स पर रहते हैं माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं वो लोग क्या कहते हैं वो लोग किस टाइप के घर बनाते हैं दे मेक हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स सी द हाउस इसके जो ये जो हाउस है उसकी जो रूफ है वो स्लोपिंग में बनी हुई है क्यों बनाई जाती है देर इज अ रीज़न बिहाइंड इट कि अगर स्लोपिंग बनाएंगे तो जो स्नोफॉल्स होता है वो जमता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेल्ट होता है तो इजिली मूव डाउन डाउन टू वर्ड्स रहता है तो वाटर को जब भी आप डालोगे ना तो पानी कभी नीचे से ऊपर जाता है या पानी ऊपर से नीचे जाता है पानी ऑब्वियसली इट मूव फ्रॉम अप टू डाउन डैट्स वाई स्लोप में बनाया जाता है रूफ्स को ताकि जो स्नो uh, रहता है वो मेल्ट हो और ईजीली वो रूफ uh, को क्लीन कर सके ओके ना पीपल लिविंग इन हॉट एरियाज दे बिल्ड हाउसेज विथ हाई फ्लैट रूफ्स अब ऐसे लोग जो बहुत ही गर्म वाली गर्मी वाले प्रदेश में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं उनके जो फ्लैट्स होते हैं हाई फ्लैट्स बनाते हैं वो बड़े बड़े घर बनाते हैं रूम बनाते हैं और उनके जो रूफ होते हैं ना सी दिक्चर ओवैर इनके जो रूफ़ रहते हैं वो बहुत ही हाइट में रहते हैं सो दैट द हाउज रिमेन कंपेरिटिवली कूल लाइक इन डाल्टनगंज ऑल्सो यू कैन से हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यू माइट हैव सीन हमारे यहाँ जो रूम्स बनते हैं ना उनके रूफ जो होते हैं वो बहुत ही हाई रहते हैं क्यों ताकि गर्मी में आपको बहुत ज्यादा गर्मी ना लग सके और कंफर्टेबल आप फील कर सकें ओके इट्स क्लियर टियर नो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिंग अ गुड हाउस वॉट इज अ गुड हाउस अ गुड हाउस इज वन विच इज एरी एंड वेल लिट गुड हाउस किसको बोलते हैं हम लोग जो बहुत ज्यादा एरी रहे अच्छे से जितनी जरूरत है रूम में एयर की उतनी एरी रहे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के विंडोज बहुत बड़े बड़े बनने चाहिए डोर्स रहने चाहिए वेंटिलेटर्स बनने चाहिए ताकि घर जो है वो एरी रहे और लिट रहे ओके न फ्रेश एयर एंड सनलाइट इज गुड फॉर अ हेल्थ ये सबको पता है कि फ्रेश एयर अगर आपको नहीं मिलेगा आपको एक रूम में अगर मैं लॉक करके रख दूँ ना सनलाइट आपके पास आ रहा है न ही फ्रेश एयर आ रहा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू तो सर्वाइव फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलेगा ना ऑक्सीजन यू आर गेटिंग नो डाउट बट फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इसलिए क्या होगा यू विल फॉल सिक सो so, फ्रेश एयर एंड सनलाइट इज गुड फॉर आवर हेल्थ घर में हमेशा सनलाइट आना चाहिए ताकि जो जर्म्स बैक्टीरियाज रहते हैं ना वो भी सनलाइट से सन के रेस से वो डैमेज हो जाते हैं ओके एंड फ्रेश एयर आएगा तो क्या आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा तो आप एनर्जेटिक रहोगे एंड हेल्दी रहोगे सो अ हाउस शुड हैव एनफ डोर्स हमारे घर में डोर्स बहुत रहने चाहिए बड़े बड़े विंडोज बनने चाहिए एंड इन वी शुड हैव वेंटिलेटर्स इन ऑल द रूम्स एंड द हाउस शुड हैव सम ओपन एरिया एज वेल अब ये नहीं एकदम ब्लॉक करके घर बना दे कि बाहर निकले भी तो थोड़ा सा ओपन स्पेस भी ना रहे वी शुड कीप सो दैट आप एक गार्डन बना सको छोटा सा इट्स नी दे ना मॉस्किटोज एंड फ्लाईज दे आर टाइनी बहुत छोटे होते हैं सबको पता है बट दे आर वेरी वॉट डेंजरस बहुत छोटे हैं साइज में बट उतने ही बड़े डेंजरस वाले वो लोग यू कैन से ये होते हैं इंसेक्स होते हैं ओके दे स्प्रेड मेनी डिजीजे डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस स्प्रेड करते हैं Isn't it? So a good house should have wire nets on उस शुड हैव वायर ने डोर एंडोज टू की आपने देखा भी होगा बहुत लोग अपने घर के डोर पर विंडोज पर नेट नेट अप्लाई करके रखते हैं Isn't it do you know why क्यू नेट अप्लाई करते हैं so सो that मॉस्किटोज कुड नॉट गेट इन easily. इजिली वो लोग गेट इन ना कर सके ओके नाउ अ गुड हाउस शुड हैव आई हैव आयरन ग्रिल्स ऑन द विंडोज टू कीप इट सेफ एंड सिक्योर एक गुड हाउस में बहुत जरूरी है कि विंडोज पे ग्रिल्स लगे रहें ग्रिल लगे रहने से आपको क्या बेनिफिट होता है आपकी घर जो है वो सेफ रहती है सिक्योर रहती थीव जो और रॉबर्स जो रहते हैं वो इजिली घर के अंदर विंडो से और डोर से एंटर नहीं कर पाते हैं ओके नें किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर्ड ड्रेन जो है आपके किचन का कॉर्नर में एक ड्रेन रहता है ना और बाथरूम्स में रहता है उसको अच्छे से हमें कवर करके रखना चाहिए क्यों यू नो वाई बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स अनकवर्ड ड्रेन्स में मॉस्किटोज बहुत ईजिली ब्रीड कर सकते हैं ब्रीड का मतलब मालूम है बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा पैदा होते हैं उसमें वो लोग ना एंड कॉक्रोचेज में ऑल्सो एंटर द हाउस थ्रू ओपन ड्रेन्स ओपन ड्रेन्स अगर रहेगा वो कवर्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा रैट्स और कॉकरोच जो हैं वो भी बहुत इजिली उस ड्रेन से आपके घर में एंटर कर जाएंगे एंड दे विल मेक योर होम डर्टी एंड इंफेक्टियस इंफेक्टियस हो जाएगा घर सो सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू कीप यउस गुड नीट एंड क्लीन एंड सेफ ऑल्सो सो वॉट आर द प्रिकॉशंस आपको क्या क्या है केयर करना चाहिए आपके घर के लिए फर्स्ट लिविंग लिविंग इन डर्टी हाउस अगर आप डर्टी हाउस में रह रहे हो गंदे घर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्टियस हो जाएगा आपको इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस रहेंगे आप हमेशा बीमार रहोगे सो लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अ सिक ऑब्वियसली हम लोग बीमार रहेंगे वी शुड कीप अ हाउस नीट एंड क्लीन वी कैन डू सो हम किस तरह से कैसे कर सकते हैं घर को सबसे पहले स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर्स डेली हमारे घर में डेली हमें स्वीपिंग करना चाहिए झाड़ू लगाना चाहिए मॉपिंग करना चाहिए फ्लोर्स को देन यूजिंग अ जर्म क्लीनर जब भी आप मॉपिंग करते हो ना एक जर्म क्लीनर जरूर यूज करना चाहिए लाइक फिनाइल मॉपिंग करते हो ना पोछा लगाते हो तो मॉपिंग करते वक्त एक डिसइनफेक्टेंट जो होता है वो जर्म क्लीनर जिसे कहा जाता है फिनाइल वी शुड ऑलवेज यूज नेक्स्ट डस्टिंग डोर्स विंडोज एंड कर्टन्स रेगुलरली हमारे घर में जो डोर्स और विंडोज पे जो कर्टन्स रहते हैं बेंचेस रहते हैं घर में कॉर्नर में बेडस रहते हैं टेबल्स रहते हैं सोफाज रहते हैं इन सबको हमें रेगुलरली डस्टिंग करना चाहिए कीपिंग थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस जो घर के सामान हैं उनको प्रॉपर प्लेस में अरेंज करके रखना चाहिए थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट इन कवर्ड डस्टबिन हाउस होल्ड के जो घर के जो सारे कचड़े होते हैं ना उनको हमें अच्छे से कवर्ड डस्टबिन में डालना चाहिए ना कि डस्टबिन का मुंह अगर खुला रहेगा इट विल बी ओपन क्या होगा उसमें मॉस्किटोज आएंगे ब्रीड करेंगे मॉस्किटोज सो डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए और कचड़े जो है इधर उधर घर में न फेंक के आप प्रॉपरली डस्टबिन में डालना चाहिए हमें नेक्स्ट रिमूविंग कॉबवेब्स रेगुलरली हमें रेगुलरली कॉब वेब्स होते हैं ना जो हम लोग हिंदी में कहते हैं ना मकड़ी के जाले वो हमेशा हमें घर में क्लीन करके रखना चाहिए उसे रिमूव करना चाहिए नेक्स्ट कीपिंग वॉश बेसिन टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स क्लीन घर के जो वॉश बेसिन होते हैं टॉयलेट्स होते हैं बाथरूम होते हैं उसे हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए नेक्स्ट पेंटिंग एंड वाइट वॉशिंग द हाउस रेगुलरली घर को रेगुलरली पेंट करना चाहिए वॉल्स को और वाइट वॉशिंग करना चाहिए घर की पेंटिंग होती है ना कलर करते हैं ना उसे हम कहते हैं वाइट वॉशिंग नेक्स्ट कम्स ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड द हाउस घर के आसपास और घर में हमें ग्रीन प्लांट्स को लगाना चाहिए सो दैट दे मेक अ हाउस नीट एंड क्लीन आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और घर फ्रेश रहता है ओके okay? So, what you people are going to do? You people are going to read the chapter till where I have taught you people. Okay? So, thank you.